नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज हम धोरण 12 विषय हिंदी पाठ 6 घर एना लेखक के भोलाभाई पटेल। तो विद्यार्थी मित्रों, गईकाल आपने पान नंबर 27 पर अभ्यास करो, आज पान नंबर 28 ऊपर आपने अभ्यास करीशू। इसी घर के दालन में मेरी दादी और फिर दादा की मृत्यु के समय गोबर से लिपकर उस पर उन्हें सुलाकर पूजा हुई थी। आ घर में बैठक जे बैठक रूम छे तेमा मारा दादा दादी बने नो मृत्यु समय एने गोबर एटले के छाण थी उपण करी अने बने ने त्यां सुलावी अने पूजा करी हती। और कुछ वर्ष पहले मेरे पिताजी को भी इसी दालन में सुलाया गया था। घणा वर्षो पछी મારા પિતાને પણ આવી જ રીતે જે બેઠક રૂમ હતો તેમાં પણ એને સુવડાવ્યા હતા। અમારે ઘર કે દોનો ઓર દૂસરે ઘરે એક ઘર અમારે એકદમ નિકટ કે સાથી કા હૈ। અમારા ઘર એટલે કે અમારા ઘર કે દોનો ઓર દૂસરે ઘરે બીજું એક ઘર છે તેમાં અમારે જે નજીકનો જે સાથી એક મિત્ર હતો તે રહેતો હતો। વો ભી બંધ હૈ તે પણ બંધ અત્યારે છે। मेरा मित्र रोजी रोटी कमाने देश के अनेक स्थलों में घूमने के बाद पति की मृत्यु होने पर अब अहमदाबाद में रहता था। मारा मित्र थे रोजी रोटी कमावा माटे अनेक देशों अनेक स्थलों में फर्या पण ते पछी एनी पति नु मृत्यु थई गयु तो हवे ते अहमदाबाद में रहे छे। उनके बाद एक मकान के मकान में काशी बुआ रहते जेना पछी जे मकान थे तेमा काशी बुआ एटले काशी उनकी मृत्यु को वर्षों हो गए थे। जब मृत्यु ने कौन बड़ा समय तो जो वर्षों बिती गया वर्षों तो जहाँ पे रेत घड़ी लेकर रोज समय करती थी उस सालन में मैं अब एक टोल टोल वाला बारूद सोचा दिखाई देता कि आ घर से यानी बैठे टोल समय में टोल वाला ऐसे के जो बारूद से ये एमा उतेलो देखाय छे। सामने वाले मकान का मालिक कोड अवस्था में परंतु कुवारा हो चल रहा था। सामने मकान के से मां मालिक थे ये कोड अवस्था रे गुंडा अवस्था में परंतु कुवारो ही मर गयो हतो। उनके बाद जिसने वो मकान खरीदा उसने आंगन के लिए जगह करके पड़ोसी हब स्थापित किया। कोई
एक मोटी रवाई जे नहीं बोलवा माटे साधन छे ते
मैं पास जाकर पूछा, यह क्या तू रो रही है माँ? मैं पास से देख रही हूँ कि माँ तू